कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं या जासूस? वो पाक जेल में ही रहेंगे या फिर भारत लाए जाएंगे? इन 16 जजों ने तय किया कुलभूषण जाधव की जिंदगी का फैसला। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। फैसले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जाधव की जिंदगी का फैसला एक या दो नहीं बल्कि 16 जजों ने किया है, जिनमें भारत और पाक के जज के अलावा विदेशी जज भी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है वो जज जिन्होंने जाधव की जिंदगी का फैसला लिया है। इन जजों में जस्टिस शू हॉकिंस चीन से हैं, जस्टिस मोहम्मद बेनोना मोरक्को से, जस्टिस एंटियो ऑगस्टो ट्रिनिडाडे ब्राजील से हैं, जस्टिस पीटर टामका स्लोवाकिया से हैं, जस्टिस यूजी इवसावा जापान से, जस्टिस पैट्रिक लिप्टन रॉबिन्सन जमैका से हैं, जस्टिस जेमल रिचर्ड क्रोफोर्ड ऑस्ट्रेलिया से हैं, जस्टिस जूलिया सेबू टिंडे यूनाडा से, जस्टिस किरिल गेवोर्जियन रूस फेडरेशन से हैं, जस्टिस नवाज सलाम लेबनान से हैं। इस फैसले में सभी की राय शामिल है। जाधव के फैसले पर नज़र भारत और पाक की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बनी हुई थी। बता दें, पाक के दावे के मुताबिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। जासूसी के मामले में पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अपील की थी। तभी से इस पर सुनवाई जारी है। अब ICJ के फैसले से कुलभूषण जाधव को काफी राहत तो मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि अब जाधव को भारत लाया जाएगा या फिर वो पाकिस्तान ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।